बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सेलेब्स हैं जो अक्सर विवादों से घिरे रहते हैं। कई ऐसे सेलेब्स भी हैं जिनको सीरियस क्राइम करने के जुर्म में जेल तक हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं कौन है वो स्टार्स जो जेल की हवा खा चुके हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप ये हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले नंबर पर आते हैं फेमस बिजनेसमैन राज कुंद्रा। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 14 दिन के ज्यूडिशियल कस्टडी में रखा गया है। उनपे आरोप है कि वो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स बनाते थे और उन्हें ऐप्स के जरिए पब्लिश करते थे। 19 जुलाई 2021 को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को ये कहकर अरेस्ट किया कि दे हैव इनफ एविडेंस अगेंस्ट राज कुंद्रा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। दूसरे नंबर पर आते हैं बॉलीवुड के भाई सलमान खान। भाई जान के कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहे हैं। हिट एंड रन से लेकर किलिंग डियर के केस के लिए सलमान भाई भी जेल की हवा खा चुके हैं। लेकिन सलमान खान के पावर के कारण वो कभी भी एक दिन से ज़्यादा जेल में नहीं रहे। और साथ ही आपको बता दें कि ये केस अभी तक कोर्ट में चल रहा है। तीसरे नंबर पर आते हैं संजू बाबा उर्फ संजय दत्त। इनको 1993 के मुंबई ब्लास्ट के आरोप में अरेस्ट किया गया था, लेकिन कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई। चौथे नंबर पर आती हैं रिया चक्रवर्ती। लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस रिलेटेड 3 दिन की कड़ी पूछताछ के बाद रिया को एनसीबी ने अरेस्ट किया, जिसके बाद रिया 3 महीने तक भाई कला जेल में थी और अभी फिलहाल बेल पे बाहर है। पांचवें नंबर पर आते हैं फरदीन खान। इन पे मई 2001 में ड्रग्स खरीदने का आरोप लगा था, जिसके चलते उन्हें 5 दिन जेल में काटने पड़े थे। हालांकि अपनी गलती मानने के बाद इनको छोड़ दिया गया। फरदीन को डी एडिक्शन ट्रीटमेंट से भी गुजरना पड़ा है। छठवें नंबर पर आते हैं शाइनी आहूजा। इस बॉलीवुड एक्टर पर 2009 में अपने 20 साल की नौकरानी के साथ रेप करने का आरोप लगा था। स्टार्टिंग में शाइनी आहूजा ने अपने अपराधों को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना अपराध एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके चलते उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी। सातवें नंबर पर आते हैं बॉलीवुड के किंग खान। शाहरुख खान ने इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने कहा था कि एक जर्नलिस्ट को धमकाने के कारण एक बार मुझे जेल जाना पड़ा था। ये तब हुआ था जब वो कभी हाँ कभी ना की मुंबई में शूटिंग कर रहे थे। आठवें नंबर पर आते हैं सूरज पंचोली। इन पे एक्ट्रेस जिया खान के सुसाइड केस को लेकर आरोप लगा था। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन जिया का सुसाइड नोट सूरज पंचोली की ओर इशारा कर रहा था, जिसके चलते सूरज को 1 महीने के लिए जेल की हवा खानी पड़ी थी। हालांकि बाद में उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिल पाया। नौवें नंबर पर आते हैं जॉन अब्राहम। रैश ड्राइविंग के वजह से इन्होंने 2 लोगों को घायल कर दिया था, जिसके चलते इन्हें 15 दिन जेल में रहने की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में इन्हें सिर्फ 1500 रुपए में बेल दे दी गई। 10वें नंबर पर आते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार। जी हाँ, आपने सही सुना, इनका नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। हुआ यूं कि 2009 के लैक्मे फैशन वीक के इवेंट के दौरान अक्षय कुमार मेड एन ऑकवर्ड डिमांड ऑफ अनजिपिंग हिज जीन्स टू हिज वाइफ ट्विंकल खन्ना, जिसके चलते उन पे इंडल्जिंग इन ऑब्सेनिटी इन पब्लिक के तहत केस दर्ज किया गया था, जिस वजह से उन्हें कुछ समय जेल में गुजारना पड़ा था। तो ये थे हमारे टॉप 10 स्टार्स जो खा चुके हैं जेल की हवा। वेल, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।